हैदराबाद में तैनात भारतीय राजस्व सेवा की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी को सरकार की ओर से अपना नाम और लिंग बदलने की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में महिला अधिकारियों को अपना नाम व लिंग बदलने की अनुमति दे दी है। यह ऐसा पहला मौका है जब केंद्र सरकार की ओर से किसी सिविल सेवा के अधिकारी को लिंग और नाम बदलने की मंजूरी दी गई है। अपने इस फैसले में वित्त मंत्रालय ने 35 वर्षीय महिला अधिकारी के सभी आधिकारिक अभिलेखों में नाम और लिंग बदलने की अनुरोध को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह अनुरोध 2013 बैच की IRS अधिकारी एम अनुसुईया ने किया था। एम अनुसुईया वर्तमान में हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्य आयुक्त के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत है। सरकार के इस फैसले को लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के इस फैसले की चारों ओर तारीफ हो रही है। सिविल सर्विसेज के तमाम ऑफिसरों ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है।